नाथ मुंडे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते अगर उनकी अकस्मात मृत्यु नहीं होती देश की राजधानी दिल्ली में, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस को चुना गया था, बीजेपी शिवसेना उस ग्रुप को 2014 में लीड करने के लिए और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए, गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं, सुपुत्री हैं पंकजा मुंडे, और उसी परिवार से ताल्लुक रखते हैं धनंजय मुंडे, पहले एमएलसी रह चुके हैं, अब विधायक बनकर चुने गए हैं पार्ली विधानसभा सीट से, शपथ ग्रहण करते हुए और उसके बाद हस्ताक्षर करते हुए धनंजय मुंडे अब राज्यपाल से हाथ मिलाकर, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार से भी मिलकर आगे बढ़ते हुए सामने आकर, उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे से हाथ मिलाया शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, और फिर अजीत पवार जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्हें फिर से आज दूसरी बार पिछले एक डेढ़ महीने में, अगर मेरे को अगर दिन ठीक से याद है तो ये दूसरी बार शपथ ग्रहण कर रहे हैं अजीत पवार उप मुख्यमंत्री का, अब बन गए हैं भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन. मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन. मी महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शिस्तबद्धीने पार पाडेन आणि संविधान व कायदा यांकडे सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निष्ठुरपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकर्ष न बाळगता न्याय वागणूक करीन. मी विजय नांदूराव ईश्वर साक्ष शपथ घेतो महाराष्ट्र राज्याचा मंत्री म्हणून माझ्या विचारांचा आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणती असा मंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार आवश्यक असेल ते फेरीत करून रेल्वे मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे करणार नाही.